हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष क्षितिज भाग दो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के साथ प्रस्तुत हूँ। जीवन परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। बस्ती से ही हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययन करने के बाद एमए की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की और ऑडिटर जनरल कार्यालय से नौकरी की शुरुआत की। उन्होंने अध्यापक क्लर्क के रूप में काम करने के बाद आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर पद पर भी काम किया। उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका दिनमान का उप संपादन तथा पराग नामक बाल पत्रिका का संपादन किया। उनका देहावसान 1984 को हुआ। रचनाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लेखक होने के साथ साथ उच्च कोटि के कवि भी थे। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: कहानी संग्रह लड़ाई, उपन्यास पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, कविता संग्रह काठ की गठिया, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, नाटक बकरी, बाल साहित्य भौं भौं, खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, लेख संग्रह चरखे और चरखे। साहित्यिक विशेषताएं। सक्सेना जी का रचना क्षेत्र काफी विस्तृत है। उन्होंने बच्चों से लेकर प्रबुद्ध वर्ग के लिए रचनाएं की हैं। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त विसंगतियों और अव्यवस्थाओं पर चोट की है। उनकी रचनाओं में स्वाभाविकता एवं सहजता के साथ गांव की परंपराओं का सुंदर चित्रण है। भाषा शैली। सक्सेना जी की भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं लोक भाषा की महक लिए हुए है। उन्होंने अपनी साधारण और सामान्य भाषा के माध्यम से असाधारण अभिव्यक्ति बड़ी सफलता से की है। उनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के साथ उर्दू भाषा के शब्दों का बाहुल्य है। मुहावरों के सहज प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है, जैसे तत्सम शब्द, स्मृति, अमृत, अस्तित्व, आस्था, निर्लिप्त, वात्सल्य, आशीष, मृत्यु आदि। उर्दू के शब्द जहर, मजाक, बेबाक, जिंदगी, तकलीफ, जिस्म, जिद्दी आदि। आगत, फादर, इंजीनियरिंग आदि। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एवं उच्च कोटि का संस्मरण है, जिसमें फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताएं वर्णित हैं। बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के ऐसी भूमि से भारत आए जो गिरजाघरों, पादरियों और धर्म गुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। उन्होंने भारत आने के बाद से मृत्यु पर्यंत तक इसे अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा। फादर सन्यासी थे परंतु परंपरागत नहीं। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें संस्मरण में मिलती है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय प्रयास भी किया। फादर बुल्के के निर्धन पर लेखक का आक्रोश। लेखक फादर के निर्धन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है कि जिसके रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जहर का विधान क्यों किया? फादर की मृत्यु जहरबाद के कारण कठिन यातना सहते हुए हुई थी, जिसने इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने प्रियजन के प्रति भरा था, उसने फिर ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना भरी मौत क्यों दी? लेखक आज भी फादर की स्नेहमयी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता है। फादर बुल्के की आत्मीयता और लेखक। लेखक के लिए फादर बुल्के को याद करना शांत संगीत सुनने जैसा लगता था। उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बातें करना कर्म को संकल्प से भरने जैसा था। लेखक स्मृतियों में डूब जाता है। वे पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। वे हमारी हंसी मजाक में शामिल होते, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे, हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई की तरह खड़े रहते थे और पुरोहितों की तरह आशीष देते थे। लेखक ने उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा, अपितु सदैव ममता और प्यार से
लबालब छलकता महसूस किया। उन्हें देखकर लेखक के मन में यह जिज्ञासा सदैव बनी रही कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर फादर बुल्के के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका भरा पूरा घर था फादर बुल्के का परिवार। लेखक प्राय अपनी बातों में उनसे पूछता था कि अपने देश की याद आती है, तो अक्सर यही कहते थे कि मेरा देश तो अब भारत है। हाँ, जन्मभूमि रेम्स चेपल की याद आती है, माँ की बहुत याद आती है। वे अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते थे। माँ की चिट्ठियां उनके पास आया करती थीं, जिन्हें अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। उनका पिता और भाइयों के प्रति बहुत लगाव था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी हो गया था, एक भाई काम करता था और एक बहन थी जो सख्त और जिद्दी थी। फादर को कभी उसकी चिंता करते नहीं देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। आप सब छोड़कर क्यों चले आए, यह पूछने पर वह सरलता से उत्तर देते कि प्रभु की इच्छा थी। वह बताते थे कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने के लिए धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ और शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की इच्छा का कारण पूछने पर उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की। फादर बुल्के की भारत में प्रक्रियाएं। फादर बुल्के ने भारत में आकर जीसिट संघ में धर्माचार की पढ़ाई शुरू की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 ईस्वी में रामकथा उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध पूरा किया। माथरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पंछी के नाम से किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाध्यक्ष रहे और यहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद किया। वही बीमार पड़े पटना से दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर चले गए। संकल्प से सन्यासी फादर बुल्के। फादर बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे तो कभी मन से सन्यासी। एक बार रिश्ता बनाकर तोड़ना उनके स्वभाव में नहीं था। दसियों साल बाद मिलने पर भी वही पुराने अपनत्व की गंध आती थी। वे जब भी दिल्ली आते थे तो गर्मी सर्दी बरसात झेलकर और खोजकर जरूर मिलने आते थे, 2 मिनट के लिए ही सही। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी, जिसके लिए हर मंच पर अपना दुख प्रकट करते थे। केवल इसी बात पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते देखा, उन्हें दुख करते हुए देखा। घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफों के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से संतावना के स्वर सुनकर राहत मिलती थी। लेखक को अपने पुत्र की और पत्नी की मृत्यु पर फादर के शब्दों में झरती हुई ध्वनि शांति प्रदान कर देती थी। फादर बुल्के की अंतिम जीवन यात्रा। लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले ना मिलने का दुख है, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में हैं और बीमार हैं। जब देखा तो उनका जिस्म ताबूत में पड़ा हुआ था। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतरा। उतारने वालों में से कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े बड़े बड़े विद्वान थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश संकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से खामोश खड़े थे। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। हिंदी में भी मसीही विधि से प्रार्थना की गई। सेंट जीवस के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक की सोच। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने भी जो भी सोचा होगा या नहीं, कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन
उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका अपना, सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था। यह था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का सार। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।